मैं किसान हूं, जो किसानी है वो तो कन्वर्ट हो गई है मेवा बागात में, यानी वो तो अब जो है सारी ज़मीन जो है 70% ज़मीन जो है वो कन्वर्ट हो गई है बागात में। इसमें जो किस जो जो हमने जो ज़मीन का जो तवाज़ुन है वो हमने बिगाड़ दिया है, यानी हमें नसब ज़मीन जो है वो रखनी थी दान मकी वगैरह के लिए, और बाकी जो नसब जो है वो रखनी थी हमें मेवा बागात के लिए, लेकिन हमने पूरी की पूरी कन्वर्ट कर ली है ये फ्रूट मतलब मेवा बागात में। इसमें मुश्किल आ गई है, अब जो इस वक्त जो हमारा फ्रूट जो है वो क्वालिटी नहीं होती है, या वो ज़्यादा निकलता है, और उसमें जो बागात में हम खाद डालते हैं उसे ज़मीन जो है वो ख़त्म ख़राब हो गई है, वो आलूदा हो गई है, हवा जो है वो आलूदा हो गया है, पानी जो है वो आलूदा हो गया है। नॉर्थ सिटी में दिस इज थर्ड टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन कम सीड सेल मेला रखा है, जिसमें हमारा पर्पस ये था, जो यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे नए नए जो टेक्नोलॉजीज यहाँ डेवलप कर रहे हैं, या जो नए नए वैरायटीज वगैरह डेवलप कर रहे हैं, नए ब्रीड्स वगैरह के बारे में, नए कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन वगैरह के रिलेटेड है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में है, हॉर्टिकल्चर में है, एनिमल साइंस में है, फिशरीज में है, फॉरेस्ट्री सीरीकल्चर, हर एक फील्ड जितने भी हमारे एग्रीकल्चर अलाइड साइंस में आते हैं उनका सारा है, एक हमने एक एग्जिबिट रखे हैं जिसमें हमारे सारे रिसोर्स साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट साइंटिस्ट हर एक स्टॉल में अवेलेबल है। हमारा ये जो मेन पर्पस है, ये हर साल हमने इस तरह का एक प्रोग्राम इस महीने में पर्टिकुलरली फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा पर्पस ये है कि हमारे पास जितने भी नए टेक्नोलॉजीज है उनको हम सारे लोगों को, जो अपने फार्मर्स है, स्टेक होल्डर्स को, चाहे कंज्यूमर्स है, चाहे जितने भी उसके मार्केटिंग से रिलेटेड है, उन सबको यहाँ बुलाते हैं एक जगह, सारे टेक्नोलॉजी को एग्जिबिट करते हैं। और साथ ही साथ इस साल का हमारा एक मेन पर्पस था जो डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम, तो ये कंसेप्ट को लेके हम यहाँ सारे मॉडल्स वगैरह, नए मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए हैं, जिसमें कि हम आजकल कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसके अंडर हर एक जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ है जो फार्मर हमारा जो करना है, ताकि उसके इनकम को किस तरह हम डबल कर सकें, उसको एक हमने एक कंसेप्ट यहाँ दे रहे हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर फील्ड क्रॉप्स क्या क्या लगा सकता है, उसमें हॉर्टिकल्चर के जितने हाई डेंसिटी प्लांटेशन का है, वेजिटेबल कल्टिवेशन का है, पोल्ट्री वगैरह, जो इसमें एनिमल हस्बेंड्री के डेयरी यूनिट वगैरह, फिशरीज वगैरह, ये सारे ये यूनिट्स जितने भी फॉरेस्ट्री, हर एक यूनिट्स को हमने कंबाइन करके डेमोन्स्ट्रेशन में रखे हैं। आजकल ज़मीन की कमी हो रही है, अब वर्टिकल अब हमने स्पेस यूटिलाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, हाइड्रोपोनिक्स है, एरोपोनिक्स वगैरह का है, जो पेरी अर्बन हम एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हम कहते हैं, चाहे कि पॉट्स में वेजिटेबल किस तरह ग्रो कर सकते हैं, ट्रेस वगैरह में किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं, सो सारे जो नए जो हमारे पास जो वैरायटीज अभी जो लेटेस्ट वैरायटीज, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज जो डेवलप किए हैं, जैसा कि हम 60s की बात करें,
जो हमारे जो प्रोडक्टिविटी राइस की सिर्फ हमारी 1.5 टन्स थी, अब हम 8 टन तक हमने राइस की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किए हैं। उसके सारे जो वैरायटीज जो है, चाहे वो मुशबुजी है जो पुराने हमारे कमद है, या जो नए सालिमार राइस वैरायटीज है, चाहे मेज़ के हाइब्रिड्स है, वोट्स के वैरायटीज है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन एप्पल का जो कंसेप्ट है वो तो फील्ड में ही हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और साथ जो हमारे पास जो प्लांटिंग मटेरियल, जो मेन पर्पस, जो सीड और प्लांटिंग मटेरियल, जो नए चीज़ जो जो जिस जिसमें हमने जो डेवलप किए हैं, वो सारा हमने सिंपली डिस्प्ले नहीं किया है, वो हमने लोगों के लिए यहाँ सेल के लिए भी रखा है, ताकि जो नए चीज़ जो हम डेवलप कर रहे हैं वो लोगों तक पहुँच जाए। सो ये इस तरह का ये कंसेप्ट देके आज हमने यहाँ किया है। मुझे बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे साथ हमारे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर मेहराजुद्दीन साहब आज चीफ गेस्ट थे इस प्रोग्राम में, अभी मेरे साथ इधर ही हैं, तो उन्होंने भी देखे। और यहाँ जो इतने फार्मर्स हैं कि यहाँ हज़ारों में एंटिसिपेट कर रहे हैं, 2-2.5 लाख हमने यहाँ फार्मर्स थ्रू आउट वैली, इवन जम्मू रीजन से भी कुछ लोग आए हैं।